वाला रोड भी बन गया भाई, क्या बात है क्या बात है। हमारी गाड़ी की स्पीड से अंदाजा लगा ही सकते हैं, क्या ही मस्त रोड बना है यार, बढ़िया लग रहे तो। आज एसी नहीं चलाएगी मैडम, सो गाइज वेलकम टू द अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। सो सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माता रानी आप सब पे कृपा बना के रखे, सबके घर में सुख शांति लेके आए। और अब क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, सो एंजॉय करें आप सब मजे से। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। व्लॉग में क्या है कि आज मैं जा रहा हूँ घर। पिछला व्लॉग हमने देखा होगा, शर्मा जी आए थे तो मैं काफ़ी दिन से ऑफिस में था। मजे की बात बस यही है कि अगेन हम आज सरप्राइज करने वाले नित्या को, क्योंकि नित्या को नहीं पता कि मैं आज आ रहा हूँ और शिवू को पता है कि मैं आ रहा हूँ। शायद नित्या को अभी बताया ही नहीं, बताया बाकी और लोगों को पता नहीं, पता मुझे भी नहीं पता। चलो देखेंगे नित्या का रिएक्शन आज कैसा, क्या रिएक्ट करती है वो। एक बार पहले भी मैंने ऐसे उसको सरप्राइज किया था, एक्चुअली पिछले टाइम मैंने उसको सरप्राइज किया था, मैं अचानक से उसके स्कूल चला गया था यहाँ से सीधा ऑफिस, पिछले ऑफिस, वो रिकॉर्ड नहीं मैंने किया खैर, बट वो एकदम से शौक हो गई थी, मम्मा एकदम से आ गई। मैं आज बाहर डेरा बस से निकलूंगा, सो दिखाते हैं वहाँ की रोड कंडीशन, क्योंकि मैं 6-7 महीने बाद जा रहा हूँ आज उस रोड से। आई होप कि सही हो सब, क्योंकि वो थोड़ा मुझे सही पड़ता है, एक टॉल कम पड़ता है, ऊपर से अम्बाला का ट्रैफिक से बस जाते हैं उसमें, उस रूट से जाने से। सो तो ठीक है, मैं देखते हैं गाइस, मिलता हूँ मैं आपको घर पर। डेरा बसी हम पहुंचने वाले हैं, डेरा बसी से आज हम, क्योंकि हमेशा मैं अम्बाला से जाता था लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ बरवाला रोड की तरफ से जाएं और देखते हैं कि रोड बना है या नहीं बना अभी। ये आ गई हमारी जीबीपी सोसाइटी का गेट, गाड़ी आ रही बाहर जीबीपी, सो यहाँ अंदर जाके है अपना फ्लैट। रोड की हालत खस्ता है, बहुत ही ज्यादा खस्ता है, ये रास्ता बड़ा खस्ता है। सो फाइनली हमने सारे गड्ढे वड्ढे पार करके हम पहुंच गए हैं बरवाला वाले रोड पे। जब मैं बहुत टाइम पहले यहाँ इस रोड से आया था तो बहुत ही खराब थी रोड ही मिट्टी मिट्टी बहुत थी इस वाली रोड पे। तो अभी देखते हैं कि कैसा सीन है आगे जाके, क्या है रोड बना या नहीं बना। बरवाला नारायणगढ़ एंड पौंठा, पौंठा यहाँ से 93 किलोमीटर है। ओके ओके ओके, ट्रक वाले भैया साइड कर लीजिए। सो ओहो, यहाँ से हमें कुछ अलग ही दिख रहा है। सो फाइनली सो बरवाला रोड भी बन गया भाई, क्या बात है क्या बात है। हमारी गाड़ी की स्पीड से अंदाजा लगा ही सकते हैं, क्या ही मस्त रोड बना है यार, बढ़िया लग रहे। तो पूरा का पूरा रास्ता जितना मैंने पीछे से शो किया उतना खराब था, इतना गंदा रास्ता था यार। मैं तो एक बार गलती से आ गया था इसमें, उसके बाद ये अब आ रहा हूँ मैं, कम से कम भी लगा लो आप 7-6 महीने बाद आ रहा हूँ इस रोड से। तो मुझे ये एरिया इतना पसंद आ रहा है, इतनी ग्रीनरी है ना इसमें, ऐसा लगता पता नहीं हम कहीं एंटर कर गए। देखो ट्रीज ही ट्रीज, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, शांत एकदम। यहां से अगर आप लेफ्ट साइड चले जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे पंचकुला, और यहां से राइट साइड चलेंगे तो आप निकल जाएंगे सीधा यमुनानगर, उत्तराखंड, सहारनपुर, यूपी। Ha 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 ha
हाँ जी हाँ जी कितना रिलैक्स मिलता है ना। गर्मी लग रही होगी आपका नन्हे। सरप्राइज मिल गया, सरप्राइज मिल गया। पापा को दिखा दो ना, माता रानी बने हुए हो आज आप। तो बड़े सुंदर लग रहे, सुंदर लग रहा है बड़ा। आपको पता था पापा आ रहे हैं? बता था किसी ने? किसी ने? मैंने तो नहीं बताया। झूठ बोल रहा नित्या को सरप्राइज के बाद हमने क्या बनाया है आज? क्या बनाया है? व्रत वाला खाना है ना, क्योंकि इन सबके फास्ट है, मेरा नहीं है। नित्या का फास्ट है, नित्या और मैंने फास्ट नहीं रखा। मैं तो शायद शेर वाली माँ बनी थी। कब बनी थी? तब आप आए थे। पर डिनर तो बहुत टेस्टी था, शिव ने बनाई है ये। अभी तो आप लेट हो गए, कल का डिनर नहीं खाया। मक्के की रोटी और सरसों का साग। ये क्या था? ये व्रत का खाना। अरे किस चीज की रोटी है ये? है स्वांग के चावलों की पूड़ियां विद आलू। स्वांग के चावलों की पूड़ियां विद वाला राइस दही। पूड़ी बड़ी टेस्टी थी। पर The next morning. So good morning, guys. Welcome to the another day. तो कल रात को डिनर करके यार सो गए थे हम, एंड आज है दूसरा दिन। और मौसम का देखिए क्या हाल है कि सुबह सुबह ऐसा लग रहा है भैया शाम होगी हो। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मौसम। और दूसरा कि हमारी सड़क भी बन चुकी है ना नित्या, अब तो मजा आता होगा। सुबह सुबह शाम होगी यार, और सुबह सुबह हो गई इतनी ठंड। नित्या को तो हमने स्वेटर बना दिया है आज स्कूल जाते हुए। एक्चुअली हम छुट्टी भी करवा सकते थे, लेकिन छुट्टी हमने इसलिए नहीं करवाई कि स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो उसके लिए ग्रुप में सिलेक्ट है। सो उससे पहले कि हम मैसेज डालते ग्रुप में कि भाई छुट्टी कर आ रहे हैं हम नित्या की, तो इसलिए स्कूल से ही मैसेज आ गया कि छुट्टी मत कराइएगा जिनके भी वार्ड फंक्शन में है, है ना। तो सो नित्या डांस में है इसलिए छुट्टी नहीं। बदल बड़े गरज रहे भाई, डर लग रहा है। स्कूल में अगर वो लगी ठंड तो क्या करेगा? हाँ उतारना नहीं आज स्वेटर, ठीक है। घर भी लगती नहीं है, एसी चला के ठंडा कर। आज एसी नहीं चलाएगी मैडम, आज कोई एसी नहीं चलाएगी। आज मैडम को भी पता ना बड़े ठंड है, तो आज मैडम एसी नहीं चलाएगी। मौसम ठंडा हो गया ना अचानक से ही, है ना। ये देखो जी, ये तोड़े लेकिन नित्या की गुल्लक। नित्या की एक साल की कमाई इसमें है। जो भी रिश्तेदार पैसे दे के जाते थे और हमारे पैसे जो हम डालते थे, थोड़े हमने इसमें डाले भी हैं। देखते हैं आज कितने हैं। नित्या कह रही मम्मा इसको फोड़ दो आज, क्योंकि नित्या के पास एक नवी गुल्लक आ गई है चंडीगढ़ से। दे 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 भाई, नित्या की तबीयत ठीक नहीं चल रही है क्योंकि नित्या ले रही है नेबुलाइजर। और देखो पड़ा नेबुलाइजर नित्या का। चलो जी फोड़ो, ये कैसे फोड़ रही है? पापा तेज करो। पैसा ही पैसा हो गया। सिक्के ज्यादा, नोट तो कम ही दिख रहे। ये है नित्या की दूसरी गुल्लक। इधर से ये सारे जो इसमें जो ये है करंसी करो क्वाइंस, जितने जो भी क्वाइंस है क्वाइंस नित्या इसमें डाल लेगी। यस मनी नित्या, सारे क्वाइंस ना इसमें डालो अपनी नई वाली में। ये मम्मी मोटे मोटे नोट इकट्ठे कर लेगी। सो भाई हम लोग रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं कहाँ? रामलीला। नित्या वैसे तो जा चुकी दो तीन बार है ना, अब नित्या को मैं लेके जा रहा हूँ और नित्या लेगी वहाँ पे झूले। अगर नित्या तूने चीख के मारी तो फिर नित्या गई, ठीक है।
भाई हम पहुंच गए हैं मेले में। नित्या किधर आ, ये वाला देख कितना अच्छा है, जो बड़ी वाला है। आ जा जरा, मैं बिठा थोड़ी देर हूँ उसमें। पापा नीचे खड़े वेट कर रहे हैं। तो भाई मेला बहुत बढ़िया लगा हुआ है यहाँ पे, बट इस बार जो लगाया ना मैनेजमेंट के साथ लगाया, इन्होंने पूरी मैनेज अच्छे से किया हुआ है। पिछली बार तो ऐसे स्टॉल लगा रखे थे, वो नवा आया झूला वो वाला ना, पिछली बार नहीं था। प्रोग्राम नहीं ला तो कम ही देख रहे हैं, सारे झूले ले रहे हैं और हम बैठ के नित्या के साथ बच्चों वाले झूले में ना। हेलो बोल। अच्छा यहाँ से घूम के जाएगी उस वाले ट्रैक पे, वो देखो ट्रैक बना हुआ है, वहाँ जाएगी वो। मजा आ रहा है, देखा ना दिल्ली पहुँच गए हम। ये ट्रेन मुझे लग रहा है चलेगी नित्या ना, स्टेशन पे खड़ी कर दी इन्होंने है ना। ए नित्या नहीं चलेगी ना, ड्राइवर को तो आने दो। 10 साल हो गए मैं यहीं बैठे बैठे को। वो चल पड़ी चल पड़ा। Thank you.